सिंगरौली में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। चावल बस शाम को गजराबहरा से लंघाडोल की तरफ जा रही थी, तभी बदरिया नाला मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर बस पलट गई। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। घायल यात्रियों को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सराय भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 32 सीटर क्षमता वाली बस में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और यह दुर्घटना हो गई। इसको लेकर परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है और इस बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही देवसर विधायक सुभाष वर्मा ने घायल हुए व्यक्तियों की जानकारी ली और उनके इलाज की व्यवस्था की। शाहवाल बस सर्विस की बस है जो बड़न से या गजराबहरा से जो है लंघाडोल की तरफ जा रही थी, बर्दिया नाला पुलिया के ऊपर पुल के ऊपर वो बस पलट गई। उसमें तत्काल वहीं मौके पर एक पलटने के समय एक व्यक्ति था जिसने मुझे सूचना दिया, तो मैं अपने थाने की गाड़ी लेकर तत्काल फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गया। वहाँ 10-11 लोग जो घायल थे, ज़्यादा 2-3 उसमें गंभीर रूप से घायल थे, उनको और जो अन्य लोगों को चोट लगी थी उनको अपनी अपने वाहनों में भरकर CSC सराय ले आया इलाज के लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।